और अपने मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान के बाद मालदीव पूरी तरह से घिर चुका है। 3 मंत्रियों को सस्पेंड तक कर दिया गया और उसके बाद आज मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहिब दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंच गए, जहां वो साउथ ब्लॉक में स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे और थोड़ी ही देर में वापस भी चले गए। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच वो मंत्रालय पहुंचे थे और इस दौरान भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानों पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति भी जताई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज यहाँ पर कराई है। मालदीव के मंत्री को भी हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है, बैकफुट पर इस वक्त मालदीव भी दिखाई दे रहा है और भारत के रुख के आगे मालदीव को झुकना पड़ गया है। मालदीव ने भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद 3 मंत्रियों को निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मालदीव बैकफुट पर क्यों आ गया है। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की हिस्सेदारी पर जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये करीब 28% तक है। भारत से सबसे ज्यादा करीब 2,00,000 पर्यटक मालदीव हर साल पहुंचते हैं। साल 2022 में भारत ने 4,000 से ज्यादा का माल मालदीव को निर्यात भी किया। मालदीव के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का पैसा लगा हुआ है। तो आप देखिए किस तरह से ये बड़ा हिस्सा यहाँ पर जाता है। उधर अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग के मालदीव पर किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वीरू पाजी ये बहुत प्रासंगिक है और धरती की सही भावना के अनुरूप है। हमारी धरती सबसे अच्छी है, मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूँ और ये आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है। शानदार पानी के समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव अविश्वसनीय है। लेकिन मालदीव के मंत्री ने आपत्तिजनक बयान के बाद मालदीव पर बड़ी मुसीबत में अब मालदीव फंस गया है। उसके नेताओं के भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोगों ने मालदीव का बॉयकॉट करना अब शुरू कर दिया है। मालदीव के लिए 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग फिलहाल कैंसिल होने का दावा है और मालदीव के लिए 2,500 फ्लाइट टिकट भी कैंसिल होने का दावा है। इसके साथ ही फ्लाइट बुकिंग साइट इज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए अपनी सारी फ्लाइट बुकिंग फिलहाल रोक दी है। और वहीं मालदीव में समंदर का किनारा भारतीय पर्यटकों को बहुत ज्यादा भाता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल मालदीव के बीच भारतीय पर्यटकों से गुलजार हो जाते हैं। इसीलिए मालदीव भारत के सामने घुटने पर आ गया है कि अगर भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से किनारा कर लिया तो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत करारा झटका लगेगा। आइए बताते हैं आपको कि मालदीव में किस साल कितने पर्यटक पहुंचे। साल 2018 में 90,474 पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। 2019 में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है और 1,80,000 पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। साल 2020 में 63,000 पर्यटक वहां पहुंचते हैं और साल 2021 कोविड का भी ये दौर था, उस दौरान 2,91,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे। साल 2022 में 2,41,000 यह आंकड़ा हो गया और साल 2023 में 1,93,693, ये 13 दिसंबर तक का आंकड़ा है। देखिए उधर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मालदीव के बॉयकॉट और देशी टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी अपील की। जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि इंडिया में भी बाहर घूमने का मतलब स्पेशली मालदीव्स, मॉरिशस, ऐसी जो आसपास की जगह, यहाँ इन सब जगहों को तमाम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे में अभी आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम रहता है तो आपको लगता है कि इंडिया का नुकसान नहीं होगा, मालदीव्स का नुकसान होगा? क्योंकि उनकी तो आधे से ज्यादा जो इकोनॉमी है वो पूरी टूरिज्म पे है और इंडिया सबसे पास होने के नाते शायद सबसे ज्यादा लोग भी वहां जाते होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। फिर से हम ये अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। आई डोंट थिंक इंडियंस विल ट्रैवल बिकॉज लाइक आई सेड एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल वेयर दे गेट रिस्पेक्ट। अगर हमें एक कंट्री रिस्पेक्ट ही नहीं देगी हम क्यों जाएंगे? और ये तो है नहीं कि दैट्स द ओनली कंट्री वी कैन ट्रैवल टू। एज अ मैटर ऑफ रिसेंटली तो हम लोग बात कर रहे थे रीजनल टूरिज्म की एंड एवरी डेस्टिनेशन विच इज विद इन द फ्लाइट ऑफ ले 4 to 5 hours हम कह रहे थे कि इनको हम ले लें इकट्ठा कि कोविड आए ना आए, कोई जियो पोलिटिकल वॉर हो, कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो, एटलीस्ट हम आपस में मिलजुल के रहें और हमारा टूरिज्म बढ़ना चाहिए। पर अगर ऐसा रिएक्शन आएगा नेबरिंग कंट्री से तो ऑब्वियसली उनको तो फर्क पड़ेगा। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद इंटरनेट पर लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी और साथ ही लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील भी इस दौरान की गई थी।
तो ये वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन आप देखिए, अब प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सबसे ज्यादा गूगल पर लोगों ने सर्च किया है लक्षद्वीप को। हालांकि इससे पहले भी लोग वहां पर जाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब तस्वीरों को शेयर किया तो हर कोई इस जगह के बारे में और जानना चाह रहा था। और देखिए, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा सर्च किया गया, शायद यही वजह भी इसके पीछे यहाँ पर सबसे ज्यादा आ रही है। और उधर मालदीव विवाद के बीच इजी माई ट्रिप ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पट्टी ने बताया कि कंपनी ने देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग्स कैंसिल कर दी है। इज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है, और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इस माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये भी बता दें कि भारत मालदीव का सबसे बड़ा मददगार है। देखिए, मुश्किल वक्त में भारत ने मालदीव को आर्थिक मदद भी की और मालदीव के बुनियादी ढांचे के विकास में अपनी खास भूमिका भी यहाँ पर निभा रहा है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि भारत किस तरह से मालदीव की मदद करता आया है और आखिर अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान भारत का है। साल 2018 से शुरुआत करते हैं। साल 2018 में मालदीव को $1.4 अरब की वित्तीय सहायता जो है वो यहाँ पर दी गई थी, उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने। इसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में 6.74 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव का सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रोजेक्ट, ये भी बहुत खास प्रोजेक्ट है और इसकी लागत करीब, आपको बता दें कि 22.68 करोड़ रुपए है, यानी कि 22.98 करोड़ रुपए। और मालदीव में ये भारत की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना भी मानी जाती है। और वहीं हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भारत मालदीव में 4000 घरों वाली आवासीय परियोजना का भी निर्माण कर रहा है। तो भारत और मालदीव के बीच दशकों पुराना ये सामरिक रिश्ता है, और इसी रिश्ते को निभाते हुए भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी मालदीव में तैनात भी है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि मालदीव में भारतीय सैनिक क्यों तैनात है और क्यों अब मालदीव के राष्ट्रपति भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध कर रहे हैं। दरअसल मालदीव में भारत के 77 सैन्य कर्मी इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए 50 सैन्य कर्मी वहां पर तैनात हैं। डॉनियर विमान का प्रबंधन करने के लिए 25 सैन्य कर्मी की तैनाती है, और रखरखाव और इंजीनियरिंग के लिए 2 और सदस्य वहां पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति भारत से सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध भी कर चुके हैं। आपको ये भी बताएं, मोहम्मद मुइज़ू ने राष्ट्रपति बनते ही भारत से इस बात का अनुरोध किया था। इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में इज़राइल के राजदूत ने भारत के पक्ष में ट्वीट किया है। दरअसल मालदीव से विवाद जो हुआ है, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी विदेशी जमीन से सामने आ रही है। इस बीच इज़राइल दूतावास का ये ट्वीट बेहद मायने रखता है। इस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि पिछले साल भारत सरकार के कहने पर इज़राइल की एक टीम लक्षद्वीप गई थी, जहां वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने पर बात करती भी नजर आई। इज़राइल दूतावास ने ये भी कहा है कि अगर भारत सरकार चाहे तो वो लक्षद्वीप में कल से काम शुरू करने को तैयार है। तो मालदीव से विवाद के बीच में इज़राइल का भी ये बयान जो सामने आया है वो वाकई बेहद मायने रखता है। समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने पर बात हुई, इसमें कहा गया भारत सरकार चाहे तो इज़राइल काम करने को तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि पिछले साल भारत सरकार के कहने पर इज़राइल की एक टीम लक्षद्वीप गई थी, इस बात की भी जानकारी दी गई, और जहां पर वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने पर बात हुई थी।